2021 में बजट गेमिंग लैपटॉप से एक अलग ही आसमान छू रहा है, एकदम पीक पे जा चुका है। बहुत सारे अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स आ रहे हैं, अच्छे बजट पे आ रहे हैं। और हमने MSI का GF63 Thin इस लैपटॉप को मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ, इस पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, 52,000 के बजट में, अभी करंटली ये 52,000 का है, उस प्राइस रेंज में बेस्ट लैपटॉप है। बट काफ़ी सारे लोगों का बजट 57,000 to 58,000 है, तो मैं बोलूँगा 2,000 rupees एक्स्ट्रा डालो। 60,000 में बहुत ही एक अच्छा लैपटॉप है, Lenovo IdeaPad Gaming, जिसको मैंने पर्सनली यूज़ कर रखा है क्योंकि दोस्त का लैपटॉप, मतलब हमारा लैपटॉप, इंजीनियरिंग हॉस्टल में बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं तो सबके अलग अलग टाइप के लैपटॉप्स आते हैं तो सब यूज़ करने मिलता है। तो इस वाले वीडियो में हम इसी लैपटॉप को बताएंगे कि कैसा लैपटॉप है, और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसी कैसी चीज़ें इसमें, लाइक छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे, कोडिंग एक्सपीरियंस, टाइपिंग एक्सपीरियंस, माउस पैड का एक्सपीरियंस, स्पीकर का एक्सपीरियंस, बिल्ट इन जो स्पीकर आता है डुअल स्पीकर, और फिर हेडफोन जैक से आउटपुट कैसा आ रहा है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Lenovo IdeaPad Gaming जो कि दो वर्जन में आता है, एक NVIDIA 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ आता है जो कि 60,000 का है, और एक NVIDIA 1650 Ti ग्राफिक कार्ड के साथ में आता है जो कि 64,000 का है। और मुझे लगता है कि जो 60,000 वाला है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, बट अगर आपको थोड़ी सी अच्छी गेमिंग करनी है, थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी गेमिंग करनी है, ऐसा बोलना चाहिए, आप NVIDIA 1650 Ti जो कि 64,000 का है उसके साथ जाओ, आपको 10-20% का गेमिंग डिफरेंस देखने मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम है, बट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मुझे 60,000 वाला नॉर्मल सा लगता है 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ। और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी क्यों है ये लैपटॉप, ये आपको आगे पता चलेगा, पूरा वीडियो देखो। तो फर्स्टली हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे, और दोनों ही वर्जन में सेम है, सारी चीज़ें सेम है, सिर्फ ग्राफिक कार्ड डिफरेंस है। तो मैं आपको अभी सारी चीज़ें बताता हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। तो डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो प्लास्टिक बॉडी देखने मिलता है, बट डिज़ाइन जो है बहुत ही टॉप नॉच है, ऐसा लगता नहीं है कि चीप सा प्लास्टिक यूज़ किया है, अच्छा डिज़ाइन देखने मिलता है। 25mm के थिकनेस पे मिलता है ये, जो कि 2.5 cm होता है। और पर्सनली मुझे इसका कीबोर्ड ज़्यादा पसंद में आया, ये है बैकलिट कीबोर्ड, और इसमें आपको लाइट ब्लू कलर देखने मिलता है, बहुत ही अच्छा एलिगेंट सा लुक देता है। और मुझे ये सारी मिनिमलिस्टिक सी चीज़ें ज़्यादा पसंद में आती है एज कम्पेयर टू वो डार्क रेड। डार्क रेड कलर जो होता है वो रातों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देता है, और बहुत सारे लैपटॉप्स में डार्क रेड कलर देखने मिलता है कीबोर्ड में, बट यहाँ पर लाइट ब्लू देखने मिला, ये मुझे ज़्यादा पसंद में आया। और जो इसका माउस पैड है वो मुझे ज़्यादा पर्सनली पसंद नहीं आया, बहुत ही हार्ड सा माउस पैड है, और लिनक्स में तो ये काम ही नहीं करता है कई दफ़ा, तो अगर आप लिनक्स यूज़ करने वाले तो बहुत सारा जुगाड़ लगाना पड़ता है, तो देख लेना, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस हो जाता है माउस पैड का। मुझे पसंद में नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको ना पसंद में आए, मेरे को जो है वो थोड़ा हार्ड सा लगा, मुझे सॉफ्ट माउस पैड ज़्यादा पसंद में आते हैं, किसी किसी को हार्ड पसंद में आते हैं, तो यार ये पर्सनल प्रेफरेंस हो जाता है। ये चीज़ देख के अगर आप इस लैपटॉप को नहीं ले रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। अब आगे बढ़ते डिस्प्ले के बारे में बात करते, तो आपको 15.6 inch की फुल HD डिस्प्ले देखने मिलती है, और डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मैंने इस पर मीडिया कंज्यूम किया था, बहुत सारे मूवीज़ जो है हम फ्रेंड्स लोग इसी लैपटॉप पर लगा के देखते थे। इसमें बेजल्स जो है बहुत ही कम देखने मिलते हैं, 250 निट्स की ब्राइटनेस देखने मिल जाती है, बहुत ही अच्छा ब्राइटनेस लेवल है ये, और जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी बहुत ही कमाल के, तो यार मीडिया कंजम्पशन में मतलब डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा है। और हाँ, ये जो डिस्प्ले है ये 60Hz की, और ये एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले। अब आगे बढ़ते हैं और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो स्टोरेज में भी बहुत ही अच्छा आपको देखने मिल जाता है, 1TB की HDD देखने मिलती है, प्लस 256GB की SSD देखने मिलती है, और दोनों को ही आप एक्सपांड कर सकते हो। और अगर आप 1650 Ti वाला वर्जन लोगे तो वहां पर आपको 512GB की SSD देखने मिल रही है, वहां पर कोई HDD नहीं है, सिर्फ SSD देखने मिलेगा, और यहां पर आपको 1TB HDD प्लस 256GB SSD, और जो भी विंडोज इंस्टॉल है वो SSD में इंस्टॉल है, तो स्टोरेज के टर्म्स में भी आपको कोई शिकायत नहीं आएगी, बहुत ही अच्छा स्टोरेज देखने मिलता है, आप एक्सपांड भी कर सकते हो। और रैम के बारे में बात करेंगे तो 8GB की DDR4 3200 MHz पे क्लॉक्ड रैम है, और इस प्राइस रेंज पे काफी सारे लैपटॉप्स हैं जिनमें 8GB DDR4 रैम है, बट उनका जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी है वो 2666 MHz पे क्लॉक्ड है, लाइक मेरा लैपटॉप MSI का, वो भी सेम 2666 MHz पे क्लॉक्ड है, तो यहाँ पर रैम की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, तो यहाँ पर आपको रैम की परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी देखने मिल जाएगी, आप एप्लीकेशन को ज़्यादा देर तक अपने कंप्यूटर में लोड कर सकते हो और ज़्यादा एप्लीकेशन खोल सकते हो साइमल्टेनियसली, मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकते हो इस वाले लैपटॉप में, और पर्सनली मैंने कर रखी है, स्टीम पे गेम चला के हमने यूट्यूब क्रोम में 12-13 टैब भी खोल रखे हैं, बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है ये वाला लैपटॉप। और इस लैपटॉप की मेन चीज़ जो कि बहुत ही खास है, उसका दिमाग प्रोसेसर जो कि Ryzen 5 4600H का है, जो कि हेक्साकोर प्रोसेसर है, 6 कोर देखने मिलते हैं, 11MB कैश मेमोरी के साथ आता है, और बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करता है, वीडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है, फोटोशॉप के लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब जितने भी 2D सॉफ्टवेयर से बहुत ही अच्छी तरीके से चलते हैं, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। और इस प्राइस रेंज पे ये वाला प्रोसेसर नो डाउट आपको ट्रूली वैल्यू फॉर मनी देखने मिल जाता है। और ग्राफिक कार्ड के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, लाइक इसमें NVIDIA 1650 है जो कि 60,000 का है, और 1650 Ti के साथ जो आता है वो 64,000 का है, 1650 Ti ज़्यादा अच्छा है,
बट उसमें 4000 आपको एक्स्ट्रा पे करना है और आपको जो स्टोरेज है 512 GB की SSD देखने मिलती है, तो थोड़ा सा स्टोरेज भी कम हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है 60000 वाला ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बैटरी की बात करेंगे तो आपको 45 वॉट आर की बैटरी देखने मिल जाती है जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। 135 वॉट का एडाप्टर आपको देखने मिलता है और जो बैटरी लाइफ क्लेम करता है लिनोवो 6.7 आवर्स की क्लेम करता है नॉर्मली, बट ऐसा नहीं है। मैंने यूज़ किया था 4 आवर्स तक चला था और गेमिंग करोगे तो 1.5 आवर्स, बस इससे ज़्यादा नहीं चलने वाला है। तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना बैटरी के टर्म्स में। पोर्ट्स के बारे में बात करेंगे तो आपको इसमें 2 USB 3.2 पोर्ट देखने मिलता है, एक HDMI पोर्ट देखने मिलता है, एक RJ45 का है और इथरनेट पोर्ट देखने मिल जाता है, टाइप सी भी आपको देखने मिल जाता है। तो पोर्ट्स के मामले में भी बहुत अच्छा लैपटॉप है, सारे पोर्ट्स आपको देखने मिल जाते हैं। हाँ, एक SD कार्ड रीडर होता तो और अच्छा होता, बट कोई दिक्कत नहीं यार। और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको डुअल स्पीकर्स देखने मिल जाते हैं, माइक्रोफोन देखने मिल जाता है बिल्ट इन, HD वेबकैम देखने मिल जाएगा, वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है इसके अंदर, और आपको इसमें एक्सबॉक्स गेम पास भी देखने मिलता है जो कि मतलब एक्सबॉक्स के जितने भी गेम्स हैं वो आप विंडोज पे खेल सकते हो फ्रीली। तो यार ये थे लैपटॉप के कुछ हाइलाइट्स। अब मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, सारे टर्म्स में बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है, बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं आई, लाइक इसकी पोर्टेबिलिटी है वो कम है, उसका मास जो है बहुत ही ज़्यादा है तो पोर्टेबल कम हो जाता है ये। अगर आप लैपटॉप को कैंपस में लेके घूमते हो कॉलेज के तो कंधे दर्द करने लगते हैं ऑब्वियसली। और मुझे इसका जो माउस पैड है वो भी इतना पसंद में नहीं आया, लिनक्स में तो चल ही नहीं रहा था, बहुत जुगाड़ लगा के चलाया। और बैटरी लाइफ भी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, एवरेज सी थी, नो डाउट खराब नहीं थी बट एवरेज सी थी, और इस प्राइस रेंज पे एवरेज ही देखने मिलता है, बट लिनोवो ने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन दिलाई थी। और अगर 1650 Ti ग्राफिक कार्ड के साथ जाओगे आप तो वहां पर तो और भी कम बैटरी लाइफ देखने मिलेगा आपको, क्योंकि वो ज्यादा पावर कंज्यूम करता है वो वाला ग्राफिक कार्ड। तो यार ये 3 चीजें थी जो मुझे ज्यादा पसंद में नहीं आई, और ये पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, सबको अलग अलग चीजें लगती है, लाइक किसी को हार्ड माउस पैड अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो ये टोटली पर्सनल प्रेफरेंस है। आप इसके साथ जा सकते हो, ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। 60000 के प्राइस रेंज पे बेस्ट लैपटॉप है करंटली, क्या पता आगे आने वाले टाइम में कुछ और आ जाए और नया लैपटॉप लॉन्च हो जाए और कुछ धमाका सा कर दे, तो अगर ऐसा कुछ होगा तो ज़रूर आपको बताऊंगा मैं। बट फिलहाल इस वाले वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर क्वेश्चंस पूछो, वहाँ पर ज़्यादा अच्छा हो जाता है, कम्युनिकेट करने के लिए ईजी हो जाता है। और हम नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी कुछ इंटरेस्टिंग सा करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए बाय।